भागलपुर के वार्ड नंबर 40 में वार्ड पार्षद नाजमा खातून के नेतृत्व में फॉगिंग मशीन द्वारा जानलेवा बीमारी डेंगू की रोकथाम के लिए छिड़काव किया गया। ज्ञातव्य हो कि नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष रिजवान खान द्वारा डेंगू पर हो रहे मौत पर जमकर सोशल मीडिया में लगातार आवाज उठाते रहे थे और इस संबंधित उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस संबंधित समस्या को आगाह भी किया था। आपको बता दें कि अगर इसी तरह लगातार छिड़काव भागलपुर में होता रहा तो शायद भागलपुर को डेंगू के चपेट से निजात मिल सकती है, क्योंकि 3 महीने से डेंगू के चपेट से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं मायागंज अस्पताल की बात कही जाए तो मायागंज अस्पताल में डेंगू के बीमारी के लिए पर्याप्त सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। लगातार आप जो है सोशल मीडिया पे सवाल उठाते थे भागलपुर में डेंगू से हो रही है मौत, और यहाँ तक कि आप प्रधानमंत्री को डेंगू को लेकर जो है सवाल आप उठाए और प्रधानमंत्री को आप मैसेज भी किए, कई भी आवेदन दिए डेंगू को लेकर, खास तौर से जिस तरह से महामारी का शिकार हो गया था भागलपुर में, डेंगू में कई लोगों की जान जा चुकी थी। तो आज आपके 40 नंबर वार्ड में, आपके ही वार्ड में आज जो है फॉगिंग के माध्यम से जो है लोगों को डेंगू के छिड़काव किया गया, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लगातार सोशल मीडिया पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और हम हर दिन प्रधानमंत्री जी को भी लिख रहे हैं, क्योंकि भागलपुर में डेंगू की बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी है। जो समाचार पत्रों में देखा है कि 32,000 से ज्यादा लोग डेंगू का शिकार हुए, कितने लोगों की जान चली गई है। और आज आप देख रहे हैं कि वार्ड में जो है डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए फॉगिंग मशीन से छिड़काव किया जा रहा है। हम यही मांग कर रहे थे, अगर वक्त रहते इससे पहले अगर फॉगिंग मशीन से डेंगू मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो शायद जो बहुत सारी जाने गई हैं वो नहीं जाती, और डेंगू के मरीज अभी भी बढ़ रहे हैं, अभी कोई संख्या कम नहीं हुई। इसलिए हम नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और सरकार से मांग करेंगे ये डेंगू को समाप्त करने के लिए भागलपुर से लगातार फॉगिंग मशीन से जो डेंगू के मच्छर को समाप्त करने के लिए लगातार फॉगिंग से जो है धुआं छोड़े जाने चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में डेंगू के जो मच्छर हैं पूरे भागलपुर शहर के साथ आसपास के इलाके में फैल चुके हैं। आज बगैर समाप्त किए अगर एक भी मच्छर बचेगा फिर वो लार्वा पैदा करेगा मच्छर, और फिर ये बीमारी फिर बढ़ेगी। अब लोग हर रोग भी डर से सहमे रहते हैं कि कहीं हम डेंगू हमें न जकड़ ले। अभी कल ही मैंने एक सुना, बहुत अफसोस लगा कि महिला एक छोटा 1 साल का बच्चा छोड़कर दुनिया से डेंगू की बीमारी की वजह से चली गई। जान बहुत कीमती है, जान इंसान का बचाना है, और नगर निगम जिस तरह से वार्ड वार्ड छिड़काव कर रहा है फॉगिंग मशीन से डेंगू को मच्छर को समाप्त करने, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं कि अच्छा काम है, लेकिन इस पर लगातार काम करने की जरूरत है। जब तक भागलपुर में एक भी डेंगू का मच्छर रहेगा तब तक हम चैन और सुकून से नहीं रह पाएंगे। हम जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देंगे कि उनका भी ध्यान इस तरफ गया है। लगातार हम देख रहे हैं शहरों में डेंगू को मच्छर को समाप्त करने के लिए प्रॉब्लम से छिड़काव हो रहा है, और इसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं और बधाई देते हैं, लेकिन आगे भी लगातार काम करते रहने की जरूरत है, इसमें हमें रुकना नहीं है। भागलपुर बहुत सुकून वाला शहर है, जिला है, लेकिन आज डेंगू मच्छर ने लोगों को